हाय एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वड़कम, सैप जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कोई भी मेरे कोलैबोरेशंस करती हूँ, मेरे फोटोशूट्स करती हूँ, लाइक आई होप आप लोग जानते होंगे, जैसे वी गेट पेड फॉर डूइंग एनी कोलैबोरेशन, एनी फोटोशूट, किसी का हम प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विच आई डू एट माई होम, मैं मेरे घर पे करती हूँ, बिकॉज आई एम अ सोशल इन्फ्लुएंसर टू, जिसमें हम कोई प्रोडक्ट्स के रिव्यू देते हैं, कैसे प्रोडक्ट को पहन के हम उसको मॉडलिंग करते हैं, वो सब करते हैं, तो वो उससे उस चीज़ के लिए मैं घर पे कैसे तैयार होती हूँ और फिर फोटोशूट मेरा करके, मतलब कैसे सब मेरा क्या क्या तामझाम होता है वो बताना चाहती हूँ। एंड अभी मैं टोटल विदाउट मेकअप हूँ, एकदम ज़ीरो मेकअप, एंड मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली हूँ इसमें, क्योंकि मुझे आज जो कोलैबोरेशन करना है उस वो एक सलवार कुर्ते के लिए है और एक साड़ी के लिए, तो दोनों ही इंडियन हैं, तो मैंने सोचा इसमें मैं बहुत बेसिक मेकअप रखूँगी, सिर्फ मैं आई शेडो अलग करूँगी, तो आई शेडो आई विल बी हैविंग समथिंग, बिकॉज ग्रीन कलर का मेरा ड्रेस है, तो वो कुछ मैं उसमें सोचती हूँ कुछ अलग करने का, हेयर स्टाइल भी कुछ अलग करेंगे, एंड देन जो साड़ी है उसमें भी कुछ एक अलग लुक रहेगा। सो हियर वी स्टार्ट, बहुत बेसिक, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज माई बेस पैलेट, मैं पूरा बेस नहीं करने वाली हूँ बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और एक्चुअली इसमें मुझे मेन उनके कपड़े दिखाने हैं, तो मेरे फेस पे जितना मेकअप होगा, कोई क्लोजअप तो है नहीं, तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, सो इट्स बेटर कि आई विल डू सम बेसिक मेकअप, मैं भी ज़्यादा मेहनत नहीं करूँ, मेरा मेकअप भी ज़्यादा ख़त्म ना हो एंड उनका प्रमोशन भी हो जाए। तो हम पहले, जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़े से ये पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस हैं, सो आई विल डू सम टचअप उस पर, ये दोनों कलर्स मेरे मिला के, अब ये ख़त्म होने को आया है, लॉकडाउन चल रहा है, जैसे लॉकडाउन ओपन होगा मुझे ख़रीदना है, मेरा मैक का पैलेट है, सो आई विल जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट हियर, ओके, अंडर आइज, क्योंकि थोड़ा सा अंडर आइज दिख रहा है, वैसे आई एम ब्लेस्ड विथ यू नो नॉट हैविंग अंडर आइज, मैं टाइम पे सोती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ, मैं सुबह 3:30-4 बजे उठती हूँ, मेरी प्रेयर्स सब मेरे काम रहते हैं, एंड बाकी अच्छा सोचो, सब ऊपर दिखता है, मन अच्छा होगा ऊपर, आपका फेस भी अच्छा लगेगा, बाकी सो ये आप देख रहे हैं कि मैंने हल्का सा, हम थोड़ा करेंगे, मेरे तो एकदम ही पैची लगेगा, है ना, थोड़ा सा यही, मैं फाउंडेशन नहीं ले रही हूँ, इसी से ही थोड़ा मर्ज कर रही हूँ पूरा, मैंने आज इसमें जो मैं प्राइमर लगाती हूँ या मेरा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ मैक का, ये सब कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि मेरा दो ही ये फोटोशूट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और मेकअप भी हैवी करना नहीं है, सो बस इट हैज़ टू लुक गुड, दैट्स द मेन थिंग, फेस क्योंकि बिना बेस के, ऐसे हम नॉर्मली कहीं आप कुछ शूट कर रहे हो कुछ तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर आप ना पेड कोलैबोरेशन पेड शूट्स कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये हमारा हो गया नॉर्मल सा, ज़रा सा बेसिकली दिस मेकअप टेक्स, अगर आई शेडो बिल्कुल ही नॉर्मल करना है तो दिस मेकअप टेक्स नॉट इवन 5 मिनट्स, ठीक है, और लेकिन अगर आई शेडो ज़्यादा कर रहे हो तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट में हो जाता है। So here my base is done. Now I will apply some. इसी का ही जो blush on है, इसको blush on के जैसे भी use कर सकते हैं और eye shadow palette के जैसे भी use कर सकते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा करूँगी, मैं आई शेडो लास्ट में करूँगी क्योंकि मुझे फिर देखना है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है, बेसिकली वेन यू आर डूइंग मेकअप यू कैन एक्सपेरिमेंट अलॉट, आप जितना जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना अच्छा है, मेकअप में कोई यू नो चीज़ बुरी नहीं होती, आप कभी हर तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दैट्स व्हाट माय फंडा इज,
सो ये थोड़ा सा ब्लश ऑन हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा हम कंटूरिंग करेंगे, कटिंग, ये भी आई शेडो भी है एंड कंटूरिंग भी है। सो मेरा क्योंकि थोड़ा डबल चिन है, ये थोड़ा सा इसको शेप देंगे, ये जो अपना चिन होता है ना फेस का, थोड़ा शेप फोटो में अच्छा लगता है। थोड़ा स्लाइट वी कैन डू इट हियर, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी बेस नहीं किया, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिखेगा अगर आप ज़्यादा करोगे तो। सो स्लाइट, यू हैव टू लुक लिटिल बेटर, फेस शुड लुक शेपली। अभी ये हम नोज़ के पास से थोड़ा कटिंग करेंगे क्योंकि नोज़ थोड़ा सा शार्प लगेगी तो अच्छी लगेगी। देखिए ये इधर से मैं कटिंग कर रही हूँ शार्प दिखने के लिए, तो यहाँ कटिंग किया है, यहाँ नहीं किया है, सो वी हैव टू मेक इट इक्वल। ओके जान, नीचे भी थोड़ा टिप पे कर देने का, अच्छी है ना शार्प नोज लगेगी। स्लाइट यू कैन डू योर, सो इट लाइक गिव्स अ फेस वेरी ब्यूटिफुल लुक। सो इट्स डन। अभी आईब्रोज कहाँ है, सो आई विल डू आईब्रोज विथ माई, मेरा जो ये पैलेट है इसमें ब्लैक और ब्राउन कलर को मिक्स करके मैं आईब्रोज करूँगी। आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी एज सच ज़्यादा नहीं तो डार्क लगेगी एकदम ना, नकली लगती है फिर। सो योर मेरी आईब्रो हो गई, क्योंकि मेरी आईब्रो बहुत पतली है तो मुझे थोड़ा सा उस पर, उसके फ़ायदे भी नुकसान भी है। लाइक फ़ायदा ये है कि आईब्रो नहीं भी बनाओ पता नहीं चलता है पार्लर वालर नहीं जाओ, नुकसान ये है कि पर अगर बिल्कुल भी पेंसिल नहीं लगाओ, कम से कम बाहर जा रहे हैं अगर बिल्कुल भी पेंसिल नहीं लगाओ तो बहुत ही अजीब लगती है। सो दैट इज ऑल्सो डन। नाउ द मेन थिंग आई शेडो, सो व्हाट आई एम थिंकिंग एक्चुअली, क्योंकि ग्रीन एंड ब्लैक कलर का मेरा सलवार कुर्ता है, तो आई एम थिंकिंग उस पर मैं मस्त कुछ ग्रीन आई शेडो मेरे पास है कि नहीं है। ओके यस आई कैन डू दिस, दिस इज समथिंग लाइक ग्रीन, नॉट एग्जैक्टली ग्रीन, दे नॉर्मल कोई ऐसे आई शेडो कोई ब्रांड का नहीं है, सो आई वांट टू ट्राई दिस, इसमें जो थोड़ा सा ग्रीन जैसा है इसको कुछ मिक्स एंड मैच करके देखते हैं। ओके वी विल पुट सम आई शेडो ओवर हियर, ये हमने सिर्फ जो हमारे आईलिड्स हैं पूरे आईलिड्स को हमने शेप दे दिया। दिस लुक्स ग्रीन, लेट मी ट्राई पुटिंग सम, जिसको मिक्सचर करने का, व्हाट डू आई डू, मैं बहुत टिकड़म करती हूँ मेकअप करते टाइम ना, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करूँ, ऐसा मुझे मज़ा आता है। सो फाइन, ये हमने आई शेडो ये हो गया, अभी इसी में कोई डार्क कलर में लेती हूँ, ये ब्राउन टाइप, ये मैं यहाँ साइड में करूँगी। सो और हम इसको एक ऐसे थोड़ा सा शेप देंगे तो आई का प्रॉपर शेप लगेगा। ओके थोड़ा और डार्क कर सकते हैं, अच्छा लगेगा अलग। इवन यू कैन पुट ब्लैक कलर या वो भी आई शेडो का अच्छा लगता है, आप चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कहीं भी डार्क कर सकते हैं, इट डिपेंड्स आप कितना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आई एम नॉट एन मेकअप एक्सपर्ट ऑफकोर्स, ऐसा होता तो मैं यू नो मेकअप वाले जो मेकअप पीपल होते हैं, मेकअप मैन मेकअप वुमेन, उन लोग कितना सीखते हैं, कितने पैसे उन लोग खर्च करके सब कोर्सेज करते हैं, तो ऑफकोर्स हैट्स ऑफ टू देम, उन लोग जिस तरीके से करते हैं वैसा तो करना मतलब आई एम स्टिल लर्निंग, इतने साल से सिर्फ ये है कि कभी कभी खुद अपने लिए कर करके थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं, तो एटलीस्ट आई कैन गिव सम टिप्स। या नाउ यही जो है इसको ही हम आईज के नीचे करेंगे थोड़ा, क्योंकि इंडियन है तो आई कैन गो थोड़ा डार्क एंड ये, वेस्टर्न होता तो थोड़ा मैं लाइट भी रखती,
एंड वैसे से बोलते हैं कि अगर आई शेडो डार्क है तो लिपस्टिक लाइट होनी चाहिए, विच लुक्स गुड, या अगर लिपस्टिक डार्क है तो आई शेडो लाइट होना चाहिए. बट यू कैन बी एक्सपेरिमेंटल, इट डिपेंड्स आपके फेस पे क्या सूट कर रहा है. सो दिस इज डन, आई थिंक ऑलमोस्ट डन. लेट मी सी मिरर में, पास में पता चलेगा. पता चला वो एड आती ना, फ्यूचर इज अंधेरा, पास से देख के मुझे लग रहा है ओ माई गॉड ये एक्चुअली क्या किया है मैंने. नहीं, इट लुक्स गुड. ठीक है, ये हो गया. नाउ विल पुट सम हाईलाइट. कोई भी आपको जो कलर पसंद है लाइट वाला, सो आई विल टेक सम दिस एंड दिस गोल्डन टाइप का कुछ मिक्स करके मैं यहाँ करूँगी हल्का हाईलाइट जो हमारे ब्राउ लाइन है उस पर. This is also done. Now eyeliner. So मैं आपको मेरे स्केच पेन वाले लाइनर जो मेरा फेवरेट है, फेसेस का मेरा लाइनर है, वो बताऊंगी. गायब, चोली के अच्छे, इट्स गॉन. वो एड याद आ गई मुझे, कुड़े गेला. वेट, सो मैंने ये मेरे दूसरे बैग में रख दिया क्योंकि कुछ और शूट कर रही थी. मेरे अलग अलग दो तीन बैग्स रहते हैं ये सब करने के लिए, क्योंकि एक मेरी कार में रहता है जो मैं शूटिंग पे ले जाती हूँ, एंड एक घर पे रहता है प्रॉपर ये सब एड्स का शूट करने के लिए, एंड एक मेरे पर्स में रहता है. कहीं हम इधर उधर मॉल पिक्चर जाते हैं तो उसके लिए तो होता छोटू सा रहता है, क्योंकि इंडियन है तो मैं इसको अच्छा सा विंग्ड लुक दे सकती हूँ. इट्स डन. नाउ मस्कारा, ये तो मुझे पास से ही लगाना पड़ेगा, कैमरे में देख के नहीं कर सकती. सो ये थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ थोड़ा नेचुरल लगे, ज़्यादा एकदम हैवी ना लगे, शादी में जा रही हो वाला टाइप का फील ना है. मस्कारा भी हो गया. नाउ विल पुट काजल. मेरा काजल भी फेसेस का ही है. ये सब इतना वीडियोस देख के फेसेस वाले आई एम श्योर मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले. आई एम एन आर्डेंट फॉलोअर एंड बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जो मैं बोल रही हूँ अगर आगे में आप देखेंगे मैं फेसेस का ब्रांड के फेसेस की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हूँ, तो फिर ये वीडियो में याद रखिएगा मैंने क्या क्या बोला है. As it is, I manifested jet speed. ये हमने काजल लगा लिया. So eye makeup, everything is done. अभी हमको lipstick करना है. तो lipstick last में करेंगे हम. उससे पहले हम थोड़ा सा compact करेंगे, क्योंकि मैंने compact last के लिए रखा था. नहीं तो face थोड़ा oily हो जाता है. तो उसको लेके अच्छे से evenly बाल भी बनाने. इसके बाद let's see. Indian है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा. बहुत दिनों से मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं किया, स्ट्रेटनिंग करके कुछ ऐसा ट्राई करती हूँ. सो दिस इज डन. नेक पे थोड़ा करेंगे. लिपस्टिक, मैं इससे लिपस्टिक करने जा रही थी. इमेजिन ब्लैक कैसा लगता है. लिप को आप लाइन दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं भी कर सकते. लिपस्टिक
कौन सी लगाऊं? कुछ हटके लेट मी ट्राई दिस पिंक. डार्क ग्रे. नो आई डोंट वॉन्ट दिस सो आई विल जस्ट मिक्स इट अप विथ अनदर कलर क्योंकि ये मेरे आई शेडो के हिसाब से ना ये थोड़ा लुक डाउन कर देगी. तो इसको लेट मी वो पहले मैंने फेसेस का पिंक लिया था अभी ये बेज लिया है. ये दोनों को मिक्स करके थोड़ा मॉव जैसा बना देती हूँ. यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विथ लिपस्टिक ऑल्सो. सो हियर माय मेकअप इज डन. और कुछ लग रहा है क्या? इफ यू वांट थोड़ा सा एक ऐसे स्टाइल मारने के लिए थोड़ा सा एक लास्ट में कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है क्योंकि पाउडर कॉम्पैक्ट हो जाता है. कॉम्पैक्ट लगने के कारण थोड़ा सा अगर वो कटिंग्स कम हो जाती हैं तो आप एक थोड़ा सा नॉर्मल सिर्फ ब्रश उसको लेने का नहीं जो आई शेडो पैलेट्स है लेने का नहीं हो जाता है. आई होप यू लाइक इट. नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर. मैंने सिर्फ अभी बालों को स्ट्रेटनिंग कर लिया है. अब बिफोर आई चेंज माय ड्रेस आई एम गोना शो यू क्या ट्राई कर सकते हैं बालों के साथ. समथिंग इंडियन या सो आई एम थिंकिंग बहुत सिंपल सा क्योंकि घर पे ही कर रही हूँ मैं. तो जस्ट इसको एक इस तरीके से लेके गोल 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 घुमाइए एंड ये पीछे क्लिप लगा लिया. ओके सेम वे हियर. ये फ्लिक्स को निकाल देते हैं आगे. सो ये तो हो गया है. मैंने पीछे टिकटैक क्लिप लगाई है. टिकटैक ऑल लेडीज मस्ट बी नोइंग. सो ये हो गया. थोड़ा सा उसको एम्बेलिश करते हैं क्योंकि इंडियन है. तो क्योंकि मेरा ग्रीन कलर का ड्रेस है आई पुट दिस ग्रीन क्लिप हियर. ओके दिख नहीं चाहिए ना. बाल तो तैयार है. जस्ट वेट एंड वॉच. शूट अभी मैं नीचे फोटोग्राफी करने जाऊंगी इस ड्रेस का बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब बंद है. बाहर कोई कोलैबोरेशन में या किसी तरीके से कोई शॉप्स या केबल होटल्स भी बंद है. सो बेसिकली बेस्ट वे इज टू गो इन माय सोसाइटी धीरे से फटाक से वहाँ क्लिप करके जो बिल्कुल 5 मिनट में फटाफट करना पड़ता है जल्दी जल्दी से. एंड कुछ अगर मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ कुछ फोटोज मैं घर पे ही करती हूँ जिसके लिए मैंने ऐसे वॉलपेपर्स किए हैं. I'm coming in a different look in another video. Please do watch, like, share, subscribe. बहुत मेहनत लगती है और यही देखो कितने मिनट का वीडियो हो गया. चलो बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ लव. सो ये हो गया. इसके बाद नेक्स्ट लुक.